नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार और बढ़िया पॉलिसी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है स्टार वुमन केयर पॉलिसी, जो रिसेंटली अभी 8 मार्च को लॉन्च हुई है। और ये बहुत ही शानदार और बढ़िया प्लान है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। 2 बोनस पॉइंट भी लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिसमें आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो हमारे थ्रू भी ले सकते हैं, बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करते। फटाफट से स्टार्ट करूंगा और जेन्युइन पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जानते हैं वुमेन केयर पॉलिसी के अंदर स्पेशलिटी क्या है। जैसे कि नाम से आपको पता चलेगा, ये वुमेन केयर पॉलिसी है, तो इसमें प्रपोजल जो है वुमेन होना चाहिए, लेडीज होना चाहिए, या जो भी यंगर गर्ल है उसको हम लोग एज ए प्रपोजल बनाएंगे, तभी ये पॉलिसी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। एज ऑफ एंट्री की बात करें, 18 साल से लेके 75 इयर्स तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कोपेमेंट नहीं है। बेस्ट पार्ट, चाहे 75 की एज में भी पॉलिसी लेंगे तो 100% कैशलेस पॉलिसी है, जबरदस्त यूनिक फीचर है। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो 91 डेज से लेके 25 इयर्स तक एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में बच्चा रह सकता है। अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और मैरिज नहीं हुई है, अनमैरिड है और नॉन वर्किंग है, पॉलिसी में ऑलरेडी 25 साल से पहले एंटर कर गई है, तो आपका 30 इयर्स तक भी कंसिडर की जा सकती है। ये एक बहुत ही स्पेशल इसमें कंसिडरेशन है। आगे बात करूं तो सम इंश्योर्ड की बात कर लें तो पॉलिसी 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक ली जा सकती है। कई सारे सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। जनरली अच्छा और बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। पॉलिसी 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए भी ली जा सकती है। 1 साल में कोई डिस्काउंट नहीं आता है। सेकेंड ईयर का, 2 साल का पॉलिसी लेते हैं तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 10% डिस्काउंट है, और अगर 3 साल का इकट्ठा पॉलिसी लेते हैं तो सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों साल के प्रीमियम पे 11.25% का डिस्काउंट मिलता है। अच्छा और बढ़िया फीचर है। आगे बात कर ले प्लान के बारे में, स्टार मदर कवर करके एक स्पेशल फीचर इसमें दिया गया है। अगर बच्चा पॉलिसी के अंदर एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड 12 साल से कम है और आईसीयू में एडमिट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एक स्पेशल फीचर कंपनी देती है कि जो मदर है उसके लिए हॉस्पिटल में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम वो ले सकती है, उसका टेकिंग केयर करने के लिए। अगर हॉस्पिटल में सिंगल एसी रूम अवेलेबल नहीं है तो विद इन 2 किलोमीटर की सराउंडिंग में किसी होटल में 1 रूम ले सकती है 2500 रुपए तक का। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर है, ये बहुत ही शानदार फीचर है। आगे बात करूं यहाँ पर रूम रेंट की कंडीशन बात कर लेते हैं। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रूम का लिमिट है। जैसे 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं 5000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं 10000 पर डे का रूम ले सकते हैं। और आगे बात करूं मैक्सिमम रूम की लिमिट 20000 रुपए, अगर 1 करोड़ की पॉलिसी भी लेते हैं तब भी 20000 रुपए पर डे से ज्यादा का रूम नहीं ले सकते। दिस इज द ओनली रेस्ट्रिक्शन, इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आईसीयू रूम की बात करें कोई सब लिमिट नहीं, अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी यूज की जा सकती है। रीस्टोर की बात करें पॉलिसी में 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, और 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ का जेन्युइन रीस्टोर फ्री है। रीस्टोर का मतलब होता है आपने पॉलिसी 10 लाख के लिए है, 10 लाख के साथ उसी साल में दोबारा 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए भी। और अगर पार्शियल सम इंश्योर्ड भी यूज हुआ है तब भी आप उसी साल में दोबारा यूज कर सकते हैं। बढ़िया और अच्छा फीचर है। आगे बात करूं स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड, अगर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन रिलेटेड नीड होती है, पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। उन डिसीज के नाम है स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं सभी पॉलिसीज में, यहाँ पर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े फीचर है। ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी में कवर है, किस तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, इनिशियल 2 साल का जो होता है वो सभी पॉलिसीज में सिर्फ वही रहेगा। आगे बात कर लूं रोड एम्बुलेंस ऑन एक्चुअल बेसिस अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में कवर है, किसी तरह की कोई कैपिंग कोई लिमिट्स नहीं है। एयर एम्बुलेंस की बात कर लूं तो एयर एम्बुलेंस 10 लाख ऑनवर्ड पॉलिसी में अप्लीकेबल है, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर है। आगे बात करूं तो यहां पर एक और स्पेशल फीचर है जिसे बोलते हैं हम डिलीवरी एक्सपेंस 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, लेकिन अगर 15 लाख ऑनवर्ड्स कोई भी सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 1 साल के बाद ही मैटरनिटी कवर है। जेन्युइन अमेजिंग फीचर, ऐसा फीचर्स आपको कहीं भी किसी भी पॉलिसी में देखने सुनने को नहीं मिलेगा। 15 लाख ऑनवर्ड सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड, जनरली अच्छा फीचर है। न्यू बॉर्न बेबी की बात करूं तो न्यू बॉर्न बेबी भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है 25% ऑफ सम इंश्योर्ड के लिए। और अगर आपने 5 से 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 2 साल के बाद,
15 लाख ऑनवर्ड्स इक्विटी पॉलिसी ली है तो 1 साल के बाद ही न्यूबॉर्न बेबी भी कवर है। समय शॉर्ट के 25% तक जनरली अच्छा और बड़ा फीचर इसमें डाला है, बहुत यूनिक फीचर है। आयुष ट्रीटमेंट अप टू समय शॉर्ट पॉलिसी में कवर्ड है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, किसी भी तरह का कभी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कराते हैं अप टू समय शॉर्ट पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। मैटरनिटी की लिमिट्स की बात करूं, 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी की बात करूं, 5 लाख की पॉलिसी के अंदर 25,000 की लिमिट है, 10 लाख 15 लाख की पॉलिसी है, 20 लाख तक की पॉलिसी है तो 50,000 रुपए तक का समय शॉर्ट आप एज ए डिलीवरी एक्सपेंस यूज कर सकते हैं। और अगर 25 लाख से 50 लाख की पॉलिसी है तो 75,000 रुपए एज ए डिलीवरी एक्सपेंस यूज कर सकते हैं, और 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक का डिलीवरी एक्सपेंस आप यूज कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर है। इस पॉलिसी में मिस कैरेज भी कवर है। 5 से 15 लाख की पॉलिसी में 25,000 रुपए तक का मिस कैरेज एक्सपेंस कवर है, और 20 से 25 लाख की पॉलिसी में 35,000, और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी के अंदर 40,000 रुपए तक का मिस कैरेज एक्सपेंस भी पॉलिसी में कवर है। लिमिट एज इट सेम रहेगी। 5 से 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 साल के बाद मिस कैरेज कवर है, और 15 लाख से लेकर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 साल के बाद ही मिस कैरेज कवर है। इसमें रूल में कोई चेंज नहीं है। आगे बात करूं तो यहां पर और भी स्पेशल फीचर है, जैसे नो क्लेम बोनस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, नो क्लेम बोनस इंडस्ट्री में पहली बार फर्स्ट ईयर 20% नो क्लेम बोनस है। जिस साल भी क्लेम नहीं आएगा हर साल 20% करके बढ़ता रहेगा, और 5 साल में पॉलिसी डबल हो जाएगी। अच्छा और बढ़िया फीचर। 10 लाख की पॉलिसी में क्लेम नहीं आया तो 2 लाख रुपए बोनस बढ़ जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 12 लाख की हो जाएगी, और ऐसी 5 साल तक क्लेम नहीं आया तो 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। अच्छा और बढ़िया फीचर है। नेक्स्ट बात कर ले बेरिएट्रिक सर्जरी। बेरिएट्रिक सर्जरी पॉलिसी में कवर्ड है दोस्तों, तो सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड है बेरिएट्रिक सर्जरी का। बेरिएट्रिक सर्जरी का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा फैटी लोग होते हैं जिसका डॉक्टर रिकमेंड करता है कि फैट रिड्यूस कराना है या उसका सर्जरी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी, तो वो सर्जरी भी आप इस पॉलिसी में 2 साल के बाद करा सकते हैं। उसकी भी सब लिमिट्स होती हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक करा सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख, और 20 लाख से लेकर 1 करोड़ की पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का बेरिएट्रिक सर्जरी का भी खर्चा कंपनी कवर करती है। अच्छा और बढ़िया। नेक्स्ट बात कर ले रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। इस प्लान के अंदर कैंसर कवर राइडर भी आप यूज कर सकते हैं, और 4 तरह की बीमारी होती है आपका पेन मैनेजमेंट के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी यहाँ पर लिमिट है 10% ऑफ द समय शॉर्ट। जितने लाख का भी आपने समय शॉर्ट लिया है, समय शॉर्ट 10% तक आप रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें उसके लिए भी बहुत अच्छी और बढ़िया लिमिट्स कंपनी ने खोल दी है। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी है तो 50% ऑफ समय शॉर्ट तक आप ऑल मॉडर्न सर्जरीज के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 20 से लेकर 50 तक की पॉलिसी में 40% तक का अप टू 40% तक आप यूज कर सकते हैं, और 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 30% ऑफ द समय शॉर्ट आप मॉडर्न सर्जरीज के लिए यूज कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर दिया है इस पॉलिसी में। दोस्तों, इतने सारे फीचर्स डाले हैं, जैसे IVF ट्रीटमेंट। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं शादी को 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए IVF ट्रीटमेंट कराना होता है। कई बार वाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, कई बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो उसके लिए IVF ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर्ड है। सिर्फ 3 साल का वेटिंग पीरियड है। लिमिट दी गई है दोस्तों, आपके 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपए तक का, और 10 लाख की पॉलिसी है 1 लाख रुपए, 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का आप IVF ट्रीटमेंट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू समय शॉर्ट। बड़े समय शॉर्ट में 1 करोड़ की पॉलिसी में 3 लाख रुपए तक का भी IVF ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में आप क्लेम कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर। एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी केयर, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में कोई छोटे मोटे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने की जरूरत पड़ती है, उसका OPD भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। 5 से 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 2500 रुपए तक का खर्चा आप यूज कर सकते हैं, और 20 से 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो 5000 रुपए तक का प्रीनेटल केयर, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा और बढ़िया फीचर। एक और बहुत ही शानदार बढ़िया फीचर डाला हुआ है, यूट्रोफेटल सर्जरी रिपेयर। अगर कोई यूट्रोफेटल सर्जरी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत पड़ती है तो वो सर्जरी, वो टेस्ट भी यहाँ पर पॉलिसी में कवर है। 5 से 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 साल के बाद, और 15 से 1 करोड़ की पॉलिसी है तो अपना 1 साल के बाद ही वो सारे टेस्ट भी इस पॉलिसी में आप करा सकते हैं। उस टेस्ट के नाम होते हैं ओपन फेटल सर्जरी, फेटेनो फेटल सर्जरी, बहुत सारे लेडीज के इस तरह के टेस्ट होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है एज ए रिपेयर सेगमेंट, कि बच्चेदानी से रिलेटेड कुछ कंसर्न हो सकते हैं तो वो भी इस पॉलिसी में कवर है। प्लस एक और स्पेशल फीचर यहाँ पर डाला हुआ है, कोई नसबंदी, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन, अगर किसी को कराना चाहे मेल या फीमेल दोनों के लिए, तो यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड है, वो भी इस पॉलिसी के थ्रू आप करा सकते हैं। कंडीशन है जो गर्ल है वो 22 साल से ऊपर होनी चाहिए,
तभी वो करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इज या हर बॉय या गर्ल दोनों 22 साल से ऊपर होंगे तो अपना नसबंदी या वॉलंटरी स्टरलाइजेशन करा सकते हैं, जिससे कि वो फैमिली प्लानिंग को लेकर ब्रेक करना चाहते हैं तो वो इसमें यूज कर सकते हैं। आगे बात करूँ तो यहाँ पर एक स्पेशल ओपीडी मिलती है फॉर लेडीज के लिए, जो कि कहीं और किसी पॉलिसी के अंदर नहीं मिलेगी, जो कि जेन्युइनली अच्छा और बढ़िया फीचर है। ओपीडी अपना 5 से 15 लाख के लिए 2500 रुपये और 20 से 25 लाख की पॉलिसी के अंदर 35,000 रुपये और 50 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपये तक का ओपीडी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जेन्युइनली अच्छा और शानदार फीचर है। न्यू बॉर्न बेबी में एक और चीज़ अच्छी थी, यहाँ पर वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी कवर है। पहले 1 साल तक के लिए अपना उसका लिमिट दिया गया है, 5 से 10 लाख की पॉलिसी में 2500 रुपये और 15 लाख से अबव पॉलिसी के अंदर 3500 रुपये तक के आप यूज कर सकते हैं वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर है। आगे बात कर लूँ लमसम कैंसर केयर की, इस पॉलिसी में स्पेशल राइडर है लेडीज के लिए। कैंसर के लिए आप राइडर चूज कर सकते हैं, क्योंकि लेडीज के लिए ही कैंसर बहुत ज्यादा होता है लेडीज में, तो वो आप लमसम एक राइडर चूज कर सकते हैं। 5 से 25 लाख रुपये तक का राइडर अवेलेबल है, जितना सम इंश्योर्ड लेंगे उसके अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा। अगर 25 लाख से ज्यादा का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो भी 25 लाख से ज्यादा का कैंसर कवर राइडर नहीं ले सकते। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं और इस राइडर को चूज करते हैं तो 180 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। पहले 180 दिन तक कवर नहीं होगा, 6 महीने का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा और 6 महीने के बाद कभी भी कैंसर डिटेक्ट होगा तो डिटेक्ट होते ही लमसम पैसा उतना मिल जाएगा जितने लाख का आपने इंश्योरेंस। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर्स। अब वेटिंग पीरियड्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। वेटिंग पीरियड सबसे पहले आज पॉलिसी लिए तो 30 दिन का नॉर्मल वेटिंग पीरियड रहेगा। पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए आप टेस्ट नहीं करा सकते, इलाज नहीं करा सकते, ये पहला बेसिक रूल है। अगर एक्सीडेंट की वजह से जरूरत पड़ेगी तो डे 1 से कवर होता है, इसमें कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। स्पेसिफिक डिसीज की बात करूँ, जो मैंने नाम बताए थे आपको, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट 2 साल के बाद कवर होंगे। और प्री एक्सिंग डिजीज की बात करें, किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, किसी भी तरह का लोडिंग नहीं लगेगा इस पॉलिसी में, पहली बात। और दूसरा, ओनली 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, 2 साल लोएस्ट वेटिंग पीरियड है। जनरली अच्छा और बढ़िया ऑप्शन है। बैरियाट्रिक सर्जरी 2 साल के बाद, IVF ट्रीटमेंट 3 साल के बाद, आपका न्यू बॉर्न बेबी कवर एज पर सम इंश्योर्ड 5 लाख 10 साल, 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 साल के बाद, इससे ऊपर की पॉलिसी है तो 1 साल के बाद। सेम ऐसे ही न्यू बॉर्न में सेम ऐसे ही वॉलंटरी स्टरलाइजेशन कराना है, नसबंदी कराना है तो उसके लिए 2 साल वेटिंग। यूट्रो फेटल सर्जरी कराना है 5 से 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 साल के बाद, और अगर इससे 15 से 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 साल के बाद ही आप करा सकते हैं। ओवरऑल पोर्टेबिलिटी कराना है, किसी भी कंपनी से इस पॉलिसी के अंदर आना है तो यहाँ पर इजीली कन्वर्ट करा सकते हैं। मिनिमम सेम डे में भी पॉलिसी पोर्ट हो जाती है और विद इन 45 डेज के अंदर भी आप किसी भी पॉलिसी से इसके अंदर आ सकते हैं। 45 दिन के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। इवन अगर किसी का स्टार का ही प्लान चल रहा है तो स्टार टू स्टार एक प्लान से दूसरे प्लान में भी शिफ्ट होना है, माइग्रेशन करना है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट पार्ट इस पॉलिसी के अंदर टिल 75 ईयर्स किसी भी एज में कोई कोपेमेंट नहीं है। एक बार पॉलिसी ले ली तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल रहेगा, 100% कैशलेस रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो बोनस पॉइंट की मैंने बात करी थी, इस पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा राइडर लेने की जरूरत नहीं है। नॉन पेबल आइटम इस पॉलिसी में पहले दिन से कवर रहेंगे। नॉन पेबल आइटम्स के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना, यहाँ पर इनबिल्ट नॉन पेबल आइटम्स का एक्सपेंस कवर है। 100% कैशलेस पॉलिसी रहेगी। और दूसरा यूनिक बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पोर्टेबिलिटी के साथ साथ किसी भी तरह का कोई लोडिंग यहाँ नहीं लगेगा। कोई बीपी शुगर सामने से डिस्क्लोज करेगा तब भी कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज नहीं करेगी और इजीली पोर्टेबिलिटी अवेलेबल हो जाती है। मैं मार्केट में चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, 1 साल के अंदर किसी भी कंपनी में मैटरनिटी कवर नहीं है, न्यू बॉर्न बेबी इतना बड़ा अमाउंट का कवर नहीं है। आपको अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए पॉलिसी लेना है तो इससे बेस्ट पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। आपको ऑल ओवर इंडिया में हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहे, हम लोग ऑल ओवर इंडिया पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, कमेंट्स करें, रिप्लाई करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है आप हमसे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।